हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बनाने वाली हूँ झटपट से बनने वाली पनीर की सब्जी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। मैंने ना ही इसमें कोई भी रिच फ्लेवर दिया है, ना ही मैंने इसमें कोई भी कसूरी मेथी या धनिया पत्ती का यूज़ किया है। मैं एकदम बेसिक सी घर में होने वाले मसाले से ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 बड़े प्याज लिए हैं, ऐसे मैंने काट लिए हैं मोटे मोटे। 2 टमाटर लिए हैं, उसे भी ऐसे फाइनली रफली काट लिया है। और यहाँ पे लहसुन लिया है, और यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम पनीर है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पनीर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हो गया है, इसमें मैंने पनीर डाल दिया। हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पनीर को रोस्ट करके निकाल लूँगी। पनीर को अब मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर पनीर को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम में। ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं डाल दूंगी इस फेज में लहसुन। मैंने इतने लहसुन लिया है 8-10 कली के करीब। साथ में डाल दूंगी फाइनली चॉप आलू, सॉरी टमाटो। ये देखिए फाइनली चॉप टमाटो डाल दिया है मैंने। हाई फ्लेम में अब मैं इसे पका रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। तो बस मैंने डाल दिया इसमें साल्ट, सॉल्ट, टमाटर। और नमक की दोस्ती बहुत पुरानी है। जैसे ही नमक डालो टमाटर तुरंत गल जाते हैं। तो बस 2 मिनट में मेरे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। इस स्टेज में अब मैं ये अपना टमाटर प्याज जो है ना, लहसुन का मिक्सचर, इसको बंद कर दूँगी। ये पक चुका है बहुत अच्छे से। अब बस ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मसाला मेरा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे डाल लूँगी मिक्सी के जार में। सो बस हमारा मसाला पिस के तैयार है, ये देखिए। सेम कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। गरम हो गया है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मसाले का फ्लेवर आएगा अगर इसमें सेम कढ़ाई में अपन बनाएंगे तो। मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। ये सरसों ऑयल है, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, 2 लौंग हैं और थोड़े से गर्म मसाले हैं। सो यहाँ पर मेरा जीरा क्रैकल होने लग गया है। यहाँ पर तेल मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है, जस्ट बिकॉज मेरे मसाले सारे पहले से भुने हुए हैं, मुझे सिर्फ जीरा के लिए तेल चाहिए था। तो बस थोड़ा सा तेल डाल के मैं जीरा को क्रैकल कर लूँगी, और खड़े गरम मसाले और 2 लौंग को। सो या जीरा हमारे क्रैकल्ड हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारा टमाटर प्याज का मसाला। एक्चुअली जार में काफ़ी कुछ मसाला लगा रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और ये सारा मसाला डाल दूँगी कढ़ाई में। सो बस अब हम इसे कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, और इसे भूनना है जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे। सो ये हमारा मसाला भुनना स्टार्ट हो गया है, हमें तब तक इसे भूनना है जब तक इसमें से अच्छा ऑयल ना निकलने लगे। ये देखिए साइड साइड में ऑयल निकलने लगा है, बट हम इसे अभी थोड़ा देर और पकाएंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है मैंने। 1/4 टेबल स्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था इसलिए मैं 1/4 टेबल स्पून ले रही हूँ। ये रहा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और काले मिर्च। द लास्ट इज 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर। मैं मोस्टली सारे सूखे पाउडर एक ही साथ कर लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ, ताकि हमारे मसाले प्रॉपर भून जाएँ। सूखे मसाले बहुत जल्दी जलते हैं, इसलिए मैं एक बार में सारे मसाले एक बाउल में रख लेती हूँ, तब अप्लाई करती हूँ। तो यार रेड रेड की ग्रेवी रेडी है, अब मैं डाल दूँगी सारे सूखे मसाले कुछ इस तरीके से, और करूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में से तेल बहुत अच्छे तरीके से छोड़ने लगा है, इसका मतलब कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। अब मैं इसे सेम जार में थोड़ा पानी लूँगी। सो आपको जिस कंसिस्टेंसी की पनीर की सब्जी चाहिए उतना ही पानी डालें, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, मुझे लटपट पनीर की सब्जियाँ पसंद हैं। तो बस ये डाल दिया मैंने पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में अच्छा उबाल आ गया है, ये ग्रेवी कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। फिर मैं डाल दूँगी मलाई, मेरे पास 2 टेबल स्पून मलाई था। ये जो भुने हुए पनीर थे ना वो, और कर देंगे हल्के हाथों से मिक्स।
ये जो मलाई है बिल्कुल फ्रेश है, आजे के दूध की है, तुरंत घुल जाएगी, तुरंत मिक्स हो जाएगी। पनीर की सब्जी में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, बॉईल आने लगा है, इसे हमें 2 से 3 मिनट ढक के पकाना है। और इसी फेज में मैं डाल दूंगी एकदम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। सो ये डाल दिया मैंने। सो अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे कि हमारी सब्जी रेडी है या नहीं। सो यहाँ पे पनीर में ऊपर से हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है, डायरेक्टली हमारी पनीर की सब्जी बन के रेडी हुई है। सो गाइज लग रही है ना बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो गाइज आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सिंपल सी पनीर की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।